परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के बेला में क्यों जागना चाहिए। तो 3:30 बजे का जो महत्व है वो सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पर पहुंच जाता है, मतलब सुबह 3:40 पर सूर्य उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वो आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12:20 तक। अब सवाल आता है कि इस समय में हम क्या करें, इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं कि आप कोई क्रिया सिखाई गई है, इसका मतलब यह है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, कुछ भी अगर इस समय वो करना शुरू कर देंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल देगा। हां, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा हुआ बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो 3:40 हो या 6:40 या फिर 7:40 कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या एक तरह का संधि काल होता है। जब मैं कहता हूं कि सूर्य ठीक आपके सर पर है तो इसका मतलब है कि उस समय वो आपके सिर पर लंबवत है, उस समय एक विशेष तरीके से काम करता है, यह मैं आपको बता चुका। अभी संध्या का मतलब संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का समय संध्या कहलाता है। ऐसे ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती है। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह के संक्रमण से गुजरता है। इस समय मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियां इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। तो सुबह शाम की 2 संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक है, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हैं उनके लिए 3:40 का वक्त आदर्श है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपनी क्रिया आधी रात को कर सकता हूं। अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल नहीं पाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।